Hello children, in this video you will get to know what is CSS, benefits of CSS, CSS syntax and CSS letter. So let us start with what is CSS. CSS kya hota hai? CSS stands for cascading style sheets. Okay, so CSS ki full form kya hai? Cascading style sheets. Okay, it is a style sheet language which is used to describe the look and the formatting of a document written in markup language. So CSS kya hai? This is a language. Ye ek language hai jiska use kiya jata hai HTML documents ki formatting ke liye. Okay, HTML documents ko design provide karne ke liye. Okay, unke look ko aur ब्यूटीफुल बनाने के लिए. फाइन, इट इज जनरली यूज्ड विद एचटीएमएल टू चेंज द स्टाइल ऑफ वेब पेजेस एंड यूजर इंटरफेसेस. तो ये सीएसएस का यूज एचटीएमएल के साथ किया जाता है. ओके, वेब पेजेस को स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए एंड यूजर इंटरफेस को फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करने के लिए. फाइन, CSS handles the look and feel part of a web page. Using CSS, you can control. तो ये क्या कह रहा है? देखो, CSS handles the look and feel part of a web page. तो एक web page का जो look होता है, design होता है, okay? वो कौन provide करता है? CSS language provide करता है, okay? Using CSS, you can control the color of the text, the style of the font, spacing between the paragraphs. तो इसकी help से आप क्या कर सकते हो? आप इसकी help से web page की formatting कर सकते हो, text को color provide कर सकते हो, font प्रोवाइड कर सकते हो, पैराग्राफ के बिटवीन आप स्पेसिंग प्रोवाइड कर सकते हो, हाउ कॉलम्स आर साइज्ड एंड लेआउट, कैसे कॉलम्स बनाने हैं, व्हाट बैकग्राउंड इमेजेस और कलर आर यूज, कौन सी बैकग्राउंड इमेज आप लोगे या कलर यूज करोगे. ओके, लेआउट डिजाइन, वेरिएशंस इन डिस्प्ले. तो ऑल ओवर जो भी डिजाइनिंग आप वेब पेजेस को, अपनी वेबसाइट को प्रोवाइड करते हो, वो किसकी हेल्प से प्रोवाइड करते हो? सीएसएस की हेल्प से प्रोवाइड करते हो. ओके, okay, now here we have benefits of CSS. CSS language ko use karne ke kya benefits hain? Okay, so first we have solves the big problem. CSS kya karti hai? Ek big problem ko solve karti hai. Kya hai wo big problem? Before CSS, text like font, color, background, style, elements, alignment, border, size had to be repeated on every web page. Jab CSS nahi thi, to kya hota tha? Jab aap website create karte the, to हर वेब पेज के लिए आपको ये सारे के सारे टेक्स्ट डिजाइनिंग प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड उसमें लगाने पड़ते थे, फॉन्ट, कलर, बैकग्राउंड, जो भी आपको चाहिए. ओके, दिस वाज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. तो इसे क्या होता है, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है. For example, if you are developing a large website where fonts and color information are added on every single page, it will become a long and expensive process. तो अगर आपको बहुत बड़ी वेबसाइट बनानी है तो आपको क्या करना होगा, हर वेब पेज के लिए आपको फॉन्ट कलर, फॉन्ट्स कलर एंड अदर जो फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे, जो कि क्या है, एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा और एक्सपेंसिव भी हो जाएगा. राइट, CSS was created to solve this problem. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए CSS को क्रिएट किया गया. इट वाज अ W3C रिकमेंडेशन. और ये किसने रिकमेंड की थी? W3C की रिकमेंडेशन है ये जो लैंग्वेज है CSS. ओके, सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. CSS बहुत सारा टाइम हमारा सेव करती है. CSS स्टाइल डेफिनेशंस आर सेव्ड इन एक्सटर्नल CSS फाइल्स, सो इट इज पॉसिबल टू चेंज द एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल. जब आप एक्सटर्नल CSS का यूज करते हो तो क्या होता है, आप एक फाइल के अंदर सारे के सारे टेक्स्ट डिफाइन कर देते हो. आप उस पर्टिकुलर वन फाइल की हेल्प से पूरी वेबसाइट को फॉर्मेट कर सकते हो. फाइन, then we have provide more attributes. CSS provide more detailed attributes than plain HTML to define the look and feel of the website. तो CSS क्या है, HTML से ज्यादा एटीब्यूट्स प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है, आप और एक अपने वेब पेज को डिजाइन प्रोवाइड कर सकते हो. फाइन, नाउ वी हैव CSS syntax. ओके, तो CSS का सिंटेक्स कैसे होता है, हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं? अ CSS रूल सेट कंटेन्स अ सिलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन ब्लॉक. ओके, तो यहाँ पे सिलेक्टर क्या है, यहाँ पे सिलेक्टर वो टैग है जिसको हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके ओके जिसको हम स्टाइल प्रोवाइड कर रहे हैं. फाइन, और सिलेक्टर एंड इन सिलेक्टर एंड देन वी हैव द डिक्लेरेशन बॉक्स ब्लॉक सॉरी जिसके अंदर आप क्या डिफाइन करते हो, आप एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को डिफाइन करते हो. फाइन, एट्रीब्यूट्स को प्रॉपर्टी भी कहा जाता है. ओके, तो हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल, H1 इज द सिलेक्टर और यू कैन से इट इज द टैग. फाइन,
एंड इन द डिक्लेरेशन ब्लॉक वी हैव कलर एट्रीब्यूट और कलर प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू येलो, देन फॉन्ट साइज एट्रीब्यूट एंड इट्स वैल्यू 11 पिक्सल. फाइन, ओके. नाउ हियर आई हैव गिवन द डेफिनेशन. डेफिनेशन दी हुई है सिलेक्टर. सिलेक्टर इंडिकेट्स द एस्टिमल एलिमेंट यू वॉन्ट टू स्टाइल. तो सिलेक्टर क्या है? वो एस्टिमल एलिमेंट है, या आप कह सकते हो वो टैग है जिसको आप स्टाइल प्रोवाइड करना चाहते हो. फाइन, देन वी हैव द डिक्लेरेशन बॉक्स. द डिक्लेरेशन ब्लॉक कैन कंटेन वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय अ सेमी कॉलन. तो डिक्लेरेशन जो आपका ब्लॉक है उसके अंदर आप एक से ज्यादा डिक्लेरेशन कर सकते हो, मतलब एक से ज्यादा आप एटीब्यूट एंड प्रॉपर्टीज प्रोवाइड, एटीब्यूट एंड वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हो. इन द अबव एग्जाम्पल देयर आर टू डिक्लेरेशन, कलर येलो, फॉन्ट साइज 11 पिक्सल. तो आप देखो जो ये ब्लॉक दिया हुआ है उसके अंदर आपने दो डिक्लेरेशन किए हुए हैं. कलर आपका येलो है, ओके, एंड फॉन्ट साइज आपका क्या है? 11 पिक्सल है, ओके. देन सी प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी इज द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ एस्टिमल एलिमेंट. ठीक है, ये मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी क्या है. एट्रीब्यूट है, ओके, इट कुड बी कलर, बॉर्डर, तो ये कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है. एंड वैल्यू इज व्हाट? वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. वैल्यूज आर असाइन टू सीएसएस प्रॉपर्टीज. इन इन द अबव एग्जाम्पल वैल्यू येलो इज असाइन टू द कलर प्रॉपर्टी. जैसे यहाँ पे एट्रीब्यूट क्या है? कलर, और उसका उसकी वैल्यू येलो है, ओके. फॉन्ट साइज क्या है आपका एट्रीब्यूट, और उसकी वैल्यू क्या है? 11 पिक्सल, ओके. तो जो ये एट्रीब्यूट्स हैं इनको आप प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो. फाइन, और जो टैग्स हैं उनको आप क्या बोल सकते हो? सिलेक्टर्स, वो टैग जिसको आप स्टाइल प्रोवाइड कर रहे हो. फाइन, तो यहाँ पे देखो सिंटेक्स ओवरऑल दिया हुआ है. सिलेक्टर प्रॉपर्टी 1 वैल्यू 1, ओके, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन. फाइन, देन प्रॉपर्टी 2, ओके, एंड देन वैल्यू 2, लाइक दिस. ऐसे आप डिक्लेरेशन ब्लॉक ब्लॉक के अंदर कितने भी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू का डिक्लेरेशन कर सकते हो एक पर्टिकुलर टैग के लिए. फाइन, तो दिस इज योर सीएसएस सिंटेक्स. ओके, नाउ वी हैव सीएसएस सिलेक्टर. सिलेक्टर क्या होता है? वो पर्टिकुलर एलिमेंट, एचटीएमएल एलिमेंट जिसको हम स्टाइल प्रोवाइड करते हैं, ओके. सीएसएस सिलेक्टर्स आर यूज्ड टू सिलेक्ट द कंटेंट यू वांट टू स्टाइल. सिलेक्टर्स आर द पार्ट ऑफ सीएसएस रूल सेट. सीएसएस सिलेक्टर सिलेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स आईडी, क्लास, टाइप, एट्रीब्यूट्स वगैरह. तो जो हम टैग्स ले रहे हैं उनको हम कैसे फॉर्मेट करेंगे, किस बेसिस पे फॉर्मेट करेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है, लाइक आईडी, क्लास, टाइप, एट्रीब्यूट्स वगैरह, जिसका यूज करके हम सीएसएस सिलेक्टर को फॉर्मेट करेंगे. फाइन, देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स इन सीएसएस. सीएसएस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं. इसके कुछ यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, लाइक सीएसएस एलिमेंट सिलेक्टर, सीएसएस आईडी सिलेक्टर, सीएसएस क्लास सिलेक्टर, सीएसएस यूनिवर्सल सिलेक्टर, सीएसएस ग्रुप सिलेक्टर. फाइन, तो अब ये क्या है? ये अब हम करेंगे वन बाय वन विद एग्जाम्पल, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट को फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कर सकते हो, या आप क्लास को फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कर सकते हो, या पर्टिकुलर यूनिक टैग को फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कर सकते हो, कैसे आपको करना है. सो हेयर वी आर गोइंग टू डू इट प्रैक्टिकली. ओके ओके, सो फर्स्ट वी हैव सीएसएस एलिमेंट सिलेक्टर. फाइन, तो हम इसको यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं, सीएसएस एलिमेंट सिलेक्टर. फाइन, दिस इज आर कमेंट. ओके, अब हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे. ओके ओके, तो सीएसएस एलिमेंट सिलेक्टर होता क्या है? द एलिमेंट सिलेक्टर सिलेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द एलिमेंट नेम. ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या करोगे? किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करोगे, या किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करोगे उसके नेम के बेसिस पर. फाइन, उसके नेम के बेसिस पर. ठीक है, जैसे मैंने पी टैग लिया, तो जहां जहां पी टैग होगा वहां वहां मेरी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी. इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ. पहले मैंने दिया डॉक टाइप HTML, दिस इज ऑप्शनल. आप लिखो, लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो तो आप इसको लीव भी कर सकते हो, दिस इज ऑप्शनल. डॉक टाइप HTML मीन्स ये बता रहा है कि डॉक्यूमेंट किस लैंग्वेज में है, HTML लैंग्वेज में है. ओके, HTML है जो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूंगी, उसमें मैं इंटरनल सीएसएस बनाऊंगी स्टाइल. ओके, स्टाइल टैग के अंदर हमने यहाँ पे ले लिया पैराग्राफ टैग.
ओके, पैराग्राफ टैग हमारा हो गया। अब हम बनाएंगे डिक्लेरेशन ब्लॉक। डिक्लेरेशन ब्लॉक में आपने दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन मैंने दे दिया सेंटर। फाइन, टेक्स्ट अलाइन आपने दे दिया सेंटर सेमी कॉलन, एंड कलर, कलर मैंने दे दिया इसके अंदर ब्लू। फाइन, हमने क्या किया, पैराग्राफ टैग के लिए दो डिक्लेरेशन कर दिए हैं। ओके, ये डिक्लेरेशन ब्लॉक बंद हो गया हमारा, क्लोज कर दिया इसको। फाइन, अब आपने क्या किया, स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया। अच्छा, दिस इज नॉट केस सेंसिटिव, आप तो आप आइदर यू कैन राइट इन द कैपिटल लेटर और इन द स्मॉल लेटर और मिक्स ऑफ बोथ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले स्टाइल बिग में दिया फिर स्मॉल में दे दिया, वैसे ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं इसको थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए लिख देती हूँ उसको। ठीक है, मैंने इसको कैपिटल में कर दिया। फाइन, देन आपका हेड क्लोज। तो ये हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, इंटरनल सीएसएस बना रहे हैं। फाइन, बॉडी, अब बॉडी के अंदर आप डिफाइन कर दो, मैं दे देती हूँ वन पैराग्राफ। वन पैराग्राफ में आपने दे दिया दिस स्टाइल विल बी अप्लाइड ऑन एवरी पैराग्राफ। ओके, एवरी पैराग्राफ। फाइन, दिस इज आवर फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम ले लेते हैं सेकंड पैराग्राफ, इसमें मैं देती हूँ, लिख देते हैं वेलकम टू सीएसएस। ओके, फाइन, हमने दो पैराग्राफ यहाँ पे ले लिए, बॉडी क्लोज एंड देन योर एचटीएमएल क्लोज। ओके, तो ये आपने क्या बनाया है, ये आपने सीएसएस एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है, का एग्जाम्पल हमने बनाया है, जिसके अंदर क्या है, आप क्या कर रहे हो, एलिमेंट नेम से आप फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने पी टैग को फॉर्मेटिंग प्रोवाइड की है, तो जो मेरे इसके अंदर मेरे वेब पेज के अंदर जितने भी पैराग्राफ्स होंगे उनको ये सेम फॉर्मेटिंग प्रोवाइड हो जाएगी, मतलब उनके ऊपर सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। फाइन, अगर देखो मैं यहाँ पे हेडिंग टैग लेती हूँ, मान लो मैंने हेडिंग लिया है H1, तो इस पर कोई फॉर्मेटिंग नहीं होगी। जैसे इसमें आप लिख दो कोई भी पैराग्राफ ले लो, जैसे मैंने ले दिया इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। फाइन, मैंने एक हेडिंग ले ली यहाँ पे, देखो ये फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई नहीं होगी, सिर्फ किस पे होगी, पैराग्राफ पे होगी। ओके, सो लेट अस सेव दिस, सेव कर लेते हैं हम अपना। फाइन, इसको मैंने दे दिया, को आप नेम दे दो इसको, एलिमेंट, एलिमेंट दे देते हैं एलिमेंट डॉट html। फाइन, सेव। ओके, नाउ हियर वी हैव द एलिमेंट फाइल, ओपन विद, इसको हमने ब्राउजर से ओपन कर दिया है। फाइन, इट इज टेकिंग सम टाइम। देखो अब यहाँ पे देखो, आपने दो पैराग्राफ दिए थे, उनको आपने क्या क्या फॉर्मेटिंग दी थी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो सेंटर में आया है, और कलर दिया था ब्लू, तो दोनों पैराग्राफ में अप्लाई हो गया है सेंटर एंड कलर ब्लू, और जो आपने हेडिंग दी थी उसमें ये फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रोवाइड, यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट को प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ ये आप किसका एग्जाम्पल था, सीएसएस एलिमेंट सिलेक्टर का। फाइन, ओके, नेक्स्ट वी हैव सीएसएस आईडी सिलेक्टर। ओके, आईडी सिलेक्टर, तो आईडी सिलेक्टर का क्या मतलब क्या इसका यूज है, द आईडी सिलेक्टर सिलेक्ट द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट टू सिलेक्टर स्पेसिफिक एलिमेंट। इसका क्या मीनिंग है कि तो आईडी एट्रीब्यूट की हेल्प से आप एक स्पेसिफिक एचटीएमएल एलिमेंट को फॉर्मेटिंग
प्रोवाइड कर सकते हो, एक स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो. ओके देखो तो यहाँ पे क्या है, एन आईडी इज ऑलवेज यूनिक विद इन द पेज, सो इट इज चूजन टू सिलेक्ट अ सिंगल यूनिक एलिमेंट. ठीक है, तो आपको एक सिंगल एलिमेंट को अगर प्रोवाइड करना है तो आप क्या करोगे, आईडी सिलेक्टर का यूज करोगे. फाइन, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका इसको कैसे लिखते हैं, पहले आप हैश करेक्टर को लोगे फॉलोड बाय द आईडी ऑफ द एलिमेंट. आईडी यहाँ पे क्या, आईडी है एक नेम जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है. हम आईडी का यूज किस लिए होते हैं, किसी की आइडेंटिफिकेशन होती है. जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हैश पैरा वन, तो पैरा वन क्या, मैंने एक पर्टिकुलर टैग के लिए आईडी बना दिया है, और यू कैन से आइडेंटिफिकेशन बना दिया है. फाइन ओके, तो जैसे एक पर्टिकुलर बच्चे का एक रोल नंबर आईडी होता है तो उसी की पहचान है. तो ये जो जिस पे मैं ये पैरा वन अप्लाई करूंगी उसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी. फाइन, इसका सिंटेक्स मैंने आपको बता दिया है, हैश एंड देन आप कोई भी आईडी नेम ले सकते हो. यहाँ पे मैंने पैरा वन लिया. फाइन ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे जो मेरा पी है फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें मैं आईडी को अप्लाई कर देती हूँ. आईडी को अप्लाई कर दिया और मैंने दे दिया पैरा वन. ठीक है, आईडी को अप्लाई कर दिया, मैंने सिर्फ फर्स्ट पे अप्लाई किया. तो ये फॉर्मेटिंग कहाँ अप्लाई होगी, होगी ओनली फर्स्ट वाले पर ही अप्लाई होगी आपकी फॉर्मेटिंग. फाइन, क्योंकि आपने इसको क्या किया है, ओनली ये जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है उसको ही आपने आईडी, मतलब आईडी जो आपने यूज किया है वो अप्लाई किया है. फाइन, तो आईडी क्या है, एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन है. आप जिसके साथ आईडी को यूज करोगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे वो फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी ओनली. फाइन, इसको सेव कर देते हैं. फाइन, मैंने सेम फाइल के ऊपर ही इसको चेंजेस करके आईडी सिलेक्टर बनाया है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना जो प्रीवियस रिजल्ट है उसको रिफ्रेश कर देते हैं. रिफ्रेश, देखो जो हमारी फर्स्ट पैराग्राफ है सिर्फ उसी पे फॉर्मेटिंग हुई है. ठीक है, सेकंड पैराग्राफ पे कोई फॉर्मेटिंग नहीं हुई, और आपकी जो हेडिंग थी उस पे भी कोई फॉर्मेटिंग नहीं हुई है, क्योंकि आपने क्या किया था, जो पैरा वन दिया है वो सिर्फ किसको दिया है, सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ को आपने आईडी सिलेक्टर का यूज किया है. फर्स्ट पैराग्राफ पे आपने आईडी सिलेक्टर का यूज किया है. तो ठीक है, आईडी सिलेक्टर आपको पता चल गया, आईडी सिलेक्टर की हेल्प से आप एक पर्टिकुलर टैग को फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे देखो पैराग्राफ दो थे लेकिन यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ पे आया, क्योंकि हमने आईडी को कहाँ अप्लाई किया है, फर्स्ट पैराग्राफ पे. ओके ओके, नेक्स्ट वी हैव सीएसएस क्लास, क्लास सिलेक्टर. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लास सिलेक्टर का क्या यूज होता है, क्लास सिलेक्टर सिलेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट. तो जहां जहां पे आप क्लास का यूज करोगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट में क्या होगा, क्लास में जो भी आपने फॉर्मेटिंग दी है वो उस पे अप्लाई हो जाएगी. फाइन, और इसको हम कैसे, इसका क्या सिंटेक्स है, पहले आप डॉट, डॉट मींस पीरियड, पीरियड भी बोलते हैं. ओके, डॉट का यूज करोगे और क्लास का नेम, आप क्लास का नेम कुछ भी दे सकते हो. राइट, जैसे आप आईडी का नेम कुछ भी दे सकते हो वैसे ही आप क्लास का नेम भी कुछ भी दे सकते हो. मैंने यहाँ पे क्लास बना ली है सेंटर. फाइन, तो जैसे मेरा फर्स्ट है, फर्स्ट पैराग्राफ है, इसको मैं दे देती हूँ क्लास, इसमें एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर देती हूँ क्लास. ठीक है, क्लास हमने क्या दिया है, सेंटर. ओके, सेकंड पैराग्राफ में मैं क्लास प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ. ठीक है, और मैंने अपनी हेडिंग को दे दी क्लास, क्लास एट्रीब्यूट दे दिया क्लास, क्लास को आपने दे दिया सेंटर. फाइन, आपने क्लास को दे दिया सेंटर. अब कहाँ कहाँ आपने क्लास को अप्लाई किया है, फर्स्ट पैराग्राफ पे एंड हेडिंग पे, सेकंड पैराग्राफ पे आपने अप्लाई नहीं किया है. ओके, सो क्लास सिलेक्टर, क्लास में जो है उसमें आपने क्या क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर दिया है, कलर ब्लू दिया है. फाइन, इसको आप सेव कर दो, कंट्रोल एस. ओके, अब ये मैं सेम फाइल के अंदर चेंजेस करती जा रही, तो हम क्या करेंगे, अपने रिजल्ट को रिफ्रेश करेंगे लाइक दिस. देखो अब यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है उस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है क्लास का, क्लास एट्रीब्यूट, क्लास सिलेक्टर की. ठीक है, सेकंड में आपने नहीं दिया था क्लास को, क्लास लेटर नहीं दिया था तो वहां उसमें कुछ भी नहीं हुआ है. आपने फिर हेडिंग टैग में दिया था तो हेडिंग टैग में आपकी फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है. ठीक है, तो क्लास लेटर की हेल्प से आपने क्या किया है, स्पेसिफिक टैग को क्या प्रोवाइड किया है, फॉर्मेटिंग प्रोवाइड किया है. ओके
अगर आप क्लास में चाहते हो कि क्लास जो सिलेक्टर है, ठीक है, वो स्पेसिफिक एलिमेंट को ही अपनी उसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो, तो आप क्या करोगे? जैसे यहाँ पे सेंटर है, तो मैंने यहाँ पे ओनली पी टैग दे दिया. अब देखो, मैंने सिर्फ क्या किया, पी टैग को अप्लाई कर दिया, पी डॉट सेंटर कर दिया. तो अब इसकी जो फॉर्मेटिंग है सिर्फ पैराग्राफ टैग पर ही अप्लाई होगी, इसकी फॉर्मेटिंग हेडिंग टैग पर अप्लाई नहीं होगी. ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल सेम है. फर्स्ट पैराग्राफ को हमने सॉरी क्लास लेटर अप्लाई किया है सेंटर, सेकंड में हमने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, और हमने H1 हेडिंग में अप्लाई किया. लेकिन यहाँ पे H1 में अब नहीं आएगी इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इसको एक स्पेसिफिक टैग अप्लाई कर दिया, पी डॉट सेंटर कर दिया. फाइन, इसको सेव कर लेते हैं, Ctrl+S, एंड देन वी विल रिफ्रेश आवर रिजल्ट. ठीक है, इसको रिफ्रेश करो. अब देखो, सिर्फ जो फर्स्ट पैराग्राफ है उस पे अप्लाई हुआ है, ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में हमने नहीं दी थी क्लास, नहीं हुआ है, और जो H1 थी उसमें भी अब क्लास की फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुई है. क्यों नहीं हुई है? क्योंकि यहाँ पे हमने उसको एक टैग स्पेसिफिक बना दिया. यू कैन सी यहाँ पे देखो, हमने उसको टैग स्पेसिफिक बना दिया, पी डॉट सेंटर कर दिया, पी डॉट सेंटर कर दिया. तो जो सेंटर क्लास है, जो उसकी जो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ पे हो रही है, हेडिंग टैग पर उसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हो रही है. अब हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई है, हम एक से ज्यादा क्लासेस भी बना सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पे एक क्लास और बना लेते हैं, हमने पैराग्राफ स्पेसिफिक क्लास ही बनाई है. यहाँ पे लार्ज बना लो, लार्ज, फाइन. उसमें आपने क्या दे दिया, उसमें आपने फॉन्ट साइज दे दिया, फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे दे दिया है 300%. आप पिक्सल्स में भी दे सकते हो, आप परसेंटेज में भी दे सकते हो फॉन्ट साइज, फाइन. तो एचटीएमएल एलिमेंट कैन आल्सो रेफर टू मोर देन वन क्लास, तो एक एचटीएमएल एलिमेंट एक से ज्यादा क्लास को रेफर कर सकता है, फाइन. तो यहाँ पे देखो, H1 पे सेंटर अप्लाई किया, तो H1 पे तो चलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि H1 यहाँ पे हमने दोनों क्लास क्या बनाई है, टैग स्पेसिफिक बनाई है, पी डॉट सेंटर एंड पी डॉट लार्ज. तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ को मैंने दे दिया क्लास सेंटर, ये एक को रेफर कर रहा है, तो सेकंड को मैं दे देती हूँ क्लास सेंटर लार्ज. ठीक है, तो जो सेकंड पैराग्राफ है वो दोनों को रेफर कर रहा है, दोनों दोनों क्लासेस को रेफर कर रहा है, सेंटर को भी और लार्ज क्लास को भी. और थर्ड में तो अप्लाई हो गई नहीं, क्योंकि वो क्या है, टैग स्पेसिफिक है. इसको हम सेव कर देते हैं. अब रिजल्ट को रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश. देखो, फर्स्ट पैराग्राफ में आपका आपने रेफर किया था सेंटर क्लास, तो सेंटर आ गया. सेंटर में क्या था आपका, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर एंड कलर ब्लू. देन सेकंड में आपने क्या किया है, आपने दोनों क्लासेस को रेफर किया था, सेंटर को भी और लार्ज को भी. तो लार्ज में आपने फॉन्ट साइज 300 दिया था, तो वो आपका फॉन्ट साइज आ गया. अब यहाँ पे थर्ड आपकी क्या है, आपकी हेडिंग है, तो हेडिंग में क्लास की फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बना दिया था, उसको टैग स्पेसिफिक बना दिया था, राइट. नेक्स्ट वी हैव CSS यूनिवर्सल सिलेक्टर. तो इसका क्या यूज है, यूनिवर्सल सिलेक्टर सिलेक्ट ऑल एचटीएमएल एलिमेंट्स ऑन द पेज. तो जब आप यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करते हो, तो एचटीएमएल जितने भी एचटीएमएल एलिमेंट्स हैं उन सब में क्या होता है, उन सब में सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है. तो इसका आप कैसे इसको अप्लाई करोगे, यहाँ पे आपने दिया एस्टेरिस्क सिंबल को, ठीक है, आपने इसको दिया एस्टेरिस्क सिंबल, फाइन, एस्टेरिस्क सिंबल दे दिया, और यू कैन से स्टार, ठीक है. यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर दे दिया है, हमने कलर आपका ब्लू है, फाइन. तो हमारे वेब पेज पे कौन कौन से टैग्स हैं, H1 है, पैराग्राफ टैग है, H2 है, फाइन. तो जब आप इस पे अप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब यहाँ पे आप यूनिवर्सल लेटर का यूज कर रहे हो, तो जितने भी टैग्स हैं उस पे क्या होगा, सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी. लेटर सेव दे. नाउ हियर यू कैन सी, जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट H1 टैग था उस पे आपका क्या है, सेंटर लाइन द टेक्स्ट, एंड आपका कलर क्या है, ब्लू. देन पैराग्राफ सेंटर लाइन कलर ब्लू, एंड देन H2 हेडिंग आपका सेंटर लाइन है एंड कलर क्या है, ब्लू है. तो यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर की हेल्प से क्या होता है, आप सेम फॉर्मेटिंग जितने भी टैग्स होते हैं वेब पेज पे उस पे एक साथ अप्लाई करते हो, फाइन. नाउ वी हैव CSS ग्रुपिंग सिलेक्टर.
ग्रुपिंग सिलेक्टर, इसमें क्या है, आप एक साथ बहुत सारे टैग्स को फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया H1 टैग, देन H2 टैग, ओके, एंड देन पैराग्राफ टैग। अब मैंने इसमें क्या दे दिया, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर एंड कलर, अब ब्लू की जगह हम रेड ले लेते, चलो रेड, ओके। तो जितनी भी यहाँ पे H1 हेडिंग्स होंगी उसमें टेक्स्ट क्या होगा, सेंटर लाइन और कलर रेड, सेम विद H2 एंड पैराग्राफ। तो अब यहाँ पे वेब पेज के अंदर जहां जहां H1, H2 और एंड पैराग्राफ होगा वहां पे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इसको सेव करते हैं, ओके। नाउ आप इसको कर देंगे रिफ्रेश, क्योंकि हम क्या करें, सेम ही फाइल में चेंजेस कर दें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बस कलर हमने रेड ले लिया था और बाकी सेंटर लाइन ले, ओके। सो हियर वी हैव डन ऑल द HTML और सॉरी नो ऑल द CSS सिलेक्टर्स, राइट।